नमस्कार दोस्तों, आज से हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का एमसीक्यू सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग लगभग 300 क्वेश्चन को मतलब कंप्लीट जो छत्तीसगढ़ का इतिहास है उसका लगभग 300 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के जो प्राचीन इतिहास है उसका 100 जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको यहाँ पर कवर करेंगे। इसी प्रकार से 100-100 क्वेश्चन का और दो सेट बनने वाला है, जिसमें हम लोग छत्तीसगढ़ का जो मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास है उसको भी इसी प्रकार से कवर करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पीडीएफ लिख करके जो भी टॉपिक आपको पीडीएफ चाहिए रहेगा वो आपको टॉपिक वहाँ पर लिख देना है, व्हाट्सएप में आपको पीडीएफ फॉरवर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए। इसके अलावा हमारे द्वारा ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो भी है वो चलाई जाती हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह चलाई जाती हैं, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए, और बहुत लोगों का अभी ये इसलिए इंक्वायरी आ रहा था कि सीजीपीएससी का जो टेस्ट सीरीज है वो कब से स्टार्ट होगा, सीजीपीएससी प्री 2023 का जो टेस्ट सीरीज है वो कब से स्टार्ट किया जाएगा। ये मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरी आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दिया जाए। हालांकि मैंने अनाउंस कर दिया था कि 1 नवंबर से जो सीजीपीएससी का टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट किया जा रहा है, लेकिन इसका डेट नहीं बन पाया था। लेकिन अब प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ये पूरा डेट और कब कब कौन कौन सा टेस्ट होगा सारा का सारा टेस्ट इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन फीस रखा गया है वो 249 रुपये रखा गया है। ठीक है, 249 रुपीज़ इसका रजिस्ट्रेशन फीस रखा गया है, वन टाइम आपको पे करना है। ये व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मैसेज करना होगा, मैसेज या फिर कॉल करके भी आप लोग वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है, बेटर होगा मैसेज करिए, वहाँ पर डायरेक्ट क्यूआर कोड भेज दिया जाता है, क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी भेज दिया जाता है, वहाँ पर सीधा आपको पेमेंट करके रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ठीक है, बाकी यहाँ पर इसका जो डेट और शेड्यूल वगैरह जो भी इस प्रकार से आपको दिख रहा है टेस्ट का, इसमें जो भी चेंजेस वगैरह होंगे रजिस्ट्रेशन के बाद आपका जो एक व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा, व्हाट्सअप ग्रुप बनेगा और एप्लीकेशन में भी एक ग्रुप बनता है, मतलब एक बैच बनता है जहाँ पर सारे स्टूडेंट को वहाँ पर जोड़ दिया जाता है। व्हाट्सअप ग्रुप में भी मतलब व्हाट्सअप ग्रुप में जो भी टाइम टेबल या फिर जो भी और चेंजेस वगैरह है वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जिस प्रकार से यहाँ पर ये टाइमिंग मतलब ये जो डेट लिखा गया है उसी डेट पर ये जो जो टेस्ट होगा सारा का सारा टेस्ट यहाँ पर लिख दिया गया है। कुछ कुछ टेस्ट जैसे कि यहाँ पर देखिए जिसका अभी वेटेज बढ़ा हुआ है, जैसे सीजीपीएससी क्या करे आर्थिक सर्वेक्षण से, करेंट अफेयर से, ऐसे टॉपिक थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वैसे टॉपिक के लिए भी यहाँ पर कुछ कुछ जो टेस्ट हैं जिसमें मैंने स्पेशली इसको जैसे कि लास्ट वाले यहाँ पर देखेंगे मतलब ये 12वें नंबर का टेस्ट, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण और बजट को स्पेशली मैंने वहाँ पर ज़्यादा वेटेज दे करके वहाँ पर रखा गया है। ठीक है, तो ऐसे सारे के सारे मतलब सारा सब्जेक्ट यहाँ पर इस प्रकार से कवर किया गया है ना, हर एक सब्जेक्ट में जितना जितना जिस प्रकार से उसका वेटेज है उसी प्रकार से इसमें टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन के लेवल आप लोग अभी सहकारिता भर्ती का मेरा टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इस लेवल का क्वेश्चन मेरे द्वारा पूछा जाता है, मतलब कि हमारे टेस्ट के द्वारा पूछा जाता है। ठीक है, बाकी और कोई भी जानकारी चाहिए होगा तो यही व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग कॉल या फिर व्हाट्सअप करके जानकारी प्राप्त कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं हमारा जो भी क्लास है उसको। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या है, भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, इनके द्वारा छत्तीसगढ़ में जो चितवा डोंगरी है, ठीक है, चितवा डोंगरी हम लोग कहाँ देखते हैं, अब देखिए चितवा डोंगरी है हालांकि बालोद में, लेकिन एग्जाम में इसका आंसर एक आध बार आपका ये राजनांदगांव ले दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चितवा डोंगरी के शैल चित्र पूछा जाएगा तो सीधा आपके दिमाग में बालोद जाना चाहिए। ठीक है, बालोद बालोद नहीं तो फिर उस कंडीशन में आपको राजनांदगांव लेकर के चलना है। चलिए, तो भगवान सिंह बघेल एवं रविंद्रनाथ मिश्र ने यहाँ के जो शैल चित्र है उनका खोज सबसे पहली बार किया था। दूसरा देखिए, चमराढाल की पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है, चमराढाल की पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है, बहुत आसान क्वेश्चन, सिंघनपुर गुफा देखते ना, चमराढाल हम लोग देखते हैं जांजगीर चांपा से लेकर पूरा रायगढ़ तक इस प्रकार से एक लंबा पहाड़ी का श्रृंखला विस्तार है। ठीक है, कोरबा, रायगढ़, जांजगीर चांपा इस प्रकार से तीनों चारों जिला में इस प्रकार से जो फैला हुआ है चमराढाल की पहाड़ी, वहीं पर सिंघनपुर की गुफा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जिला दर्शन अगर आप लोग मेरा देखे होंगे, अपडेटेड वाला शायद अभी जांजगीर चांपा का नहीं डला है, तो लेकिन जांजगीर चांपा जब मैं पढ़ाता हूँ, जांजगीर चांपा हो या फिर शक्ति हो या फिर आपका रायगढ़ हो, तो वहाँ पर मैं चमराढाल की पहाड़ी के बारे में जरूर जिक्र करता हूँ। तो चमराढाल की पहाड़ी में हम लोग क्या देखते हैं, सिंघनपुर की गुफा देखते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे वहाँ पर गुफा देखते हैं, बहुत सारे ऐसे जगह देखते हैं जहाँ पर पाषाणकालीन जो भी साक्ष्य वो प्राप्त किया गया है। ठीक है, सिंघनपुर की गुफा के आसपास में ही, ठीक है, बोतलदा की गुफा वगैरह भी उसी के आसपास में इस प्रकार से हमको देखने को मिलता है।
छत्तीसगढ़ में प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र सर्वाधिक किस जिले से प्राप्त हुआ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। हालांकि जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगा है या फिर जो बार बार रिपीट हुआ उसको मैंने यहाँ पर शामिल नहीं किया है, ठीक है। देखिए रायगढ़ में यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कौन से स्थान है जहाँ पर पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? इसका सही आंसर क्या है? कबरा पहाड़, ठीक है। रायगढ़ जिला का जो कबरा पहाड़ है वहाँ पर पाषाण युग के औजारों के साक्ष्य प्राप्त हुए, ठीक है। औजारों के साक्ष्य ध्यान में रखेगा, यहाँ पर जो हस्तचलित कुदाल वगैरह जो भी प्राप्त किया गया है कबरा पहाड़ के आसपास में, है ना, तो ये जो भी साक्ष्य है कबरा पहाड़ से प्राप्त हुआ है ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं, ठीक है। महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं इस प्रकार से पूछा जा रहा है, तो हम लोग मल्हार में देखते हैं, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन तो हमको ये डायरेक्ट ऐसे याद रखना पड़ेगा, मल्हार से प्राप्त हुए हैं। छठवां क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना व भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है? रायगढ़ है, ठीक है। ओंगना और भैंसगढ़ी हम लोग किस जिले में देखते हैं? रायगढ़ में देखते हैं। सातवां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पाषाण युग का मेनहिर, ठीक है, मेनहिर मतलब कि पाषाण स्तंभ प्राप्त हुआ है ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये करकाभाट से प्राप्त हुआ है, ठीक है। करकाभाट हम लोग कहाँ देखते हैं इसको? करकाभाट हम लोग बालोद में देखते हैं, तो यहाँ से पाषाण घेरे वगैरह प्राप्त हुए हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। छत्तीसगढ़ की किन गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन व स्पेनिश मूर्तियों के सदृश दिखाई देती हैं, ठीक है। कौन सी गुफा है? इसका सही आंसर क्या है? सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर गुफा हम लोग बहुत बार पढ़े हुए हैं, और फिलहाल आपको पाषाण युगीन अगर कुछ भी साक्ष्य वगैरह के बारे में बात किया जाता है तो डायरेक्ट यहाँ पर सिंघनपुर गुफा को ही हम वहाँ पर पहले देखते हैं, ठीक है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा साक्ष्य हमको प्राप्त हो इसलिए। नवा देखें, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस स्थान में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए? अभी हम लोग जस्ट कुछ समय पहले देखे थे, एक मल्हार हम लोगों ने देखा था, ठीक है। मल्हार में महापाषाण युगीन सभ्यता कुछ अवशेष प्राप्त हुए इस प्रकार से हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ पर टेंगना को भी याद रखिएगा, ठीक है, क्या है? टेंगना, यहाँ से भी क्या प्राप्त हुए हैं? महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है, ठीक है। वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है? इसका नाम क्या है? दक्षिण दिक् है, ठीक है। वेदों में जो वर्णित बस्तर है, मतलब वेद में बस्तर को क्या कहा गया? दक्षिण दिक् कहा गया है, दक्षिण दिक्। ग्यारहवां क्वेश्चन देखिए, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था यह पूछा जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या जानते हैं? दक्षिण कौशल जानते हैं, दक्षिण कौशल के नाम से जाना जाता था छत्तीसगढ़ को, है ना। ऊपर में देखें तो उत्तर कौशल और हमारा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र दक्षिण कौशल कहलाता था, और छत्तीसगढ़ के ऊपर वाला भाग जो यूपी वाला क्षेत्र है वो आपका उत्तर कौशल कहलाता था। बारहवां क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या है, ठीक है। सभी जानते हैं कोशली है छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा। तेरहवां क्वेश्चन देखें, छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है ये पूछा जा रहा है? छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबद्ध है ये पूछा जा रहा है? वाल्मीकि ऋषि संबंध है हम लोग जानते हैं, ठीक है। वाल्मीकि ऋषि संबंधित ये तुरतुरिया आश्रम हम लोग देखते हैं, यहीं पर वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, देखते हैं ना, तुरतुरिया में वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है ऐसे हम लोग पढ़ते हैं। बलभद्री नाला है वहाँ पर, गौमुख है यहाँ पर, तुरतुर तुरकुर की आवाज़ आती है पानी जब गिरता है, तो इसीलिए तो उसका नाम पड़ा है तुरतुरिया, बल्लभा बाजार जिला में हम लोग देखते हैं ना। स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे? स्थानीय परंपरा के अनुसार राम ने किस स्थान पर सबरी के जूठे बेर खाए थे? तो ये सही क्या है? इसका सूर्य नारायण इसका सही आंसर है, ठीक है। पंद्रहवां क्वेश्चन, माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ है? माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर कहाँ ये पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या है? चंदखुरी, ठीक है। चंदखुरी में क्या है? माता कौशल्या का ऐतिहासिक मंदिर स्थित है।
तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? तुरतुरिया क्यों प्रसिद्ध है? ये वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के लिए प्रसिद्ध है। अभी जस्ट हम लोग देखें, क्वेश्चन देखा है तो रिपीट हो गया है, फिलहाल कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है। वनवास काल में भगवान राम का इस राज्य में निम्नलिखित स्थान से प्रवेश माना जाता है, कौन सा स्थान है जहाँ से भगवान राम का प्रवेश माना जाता है? तो ये हरचौका है, सीतामढ़ी हरचौका हम लोग जो देखते हैं ना, कोरिया, अब तो फिलहाल एमसीबी जिला में चला गया है वो, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में चला गया है। तो जो सीतामढ़ी हरचौका है, ऊपर में इस प्रकार से मवई नदी देखते हैं, उस मवई नदी के जस्ट किनारे में आपको ये सीतामढ़ी हरचौका है, जहाँ पर सबसे पहले राम भगवान, सीता मैया और लक्ष्मण भगवान, इनका पहला पड़ाव यहीं पर हुआ था, मतलब पहली बार वहीं पर वो लोग रुके छत्तीसगढ़ में एंटर करने के बाद, ऐसा है, सबसे पहला कदम पूछा गया तो वहीं पड़ा था उनका, ऐसा टाइप का है। छत्तीसगढ़ी रामायण शोध ग्रंथ पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा जा रहा है, तो ये है मन्नूलाल यदु, ठीक है। 19वां देखिए, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ की कुल लंबाई कितनी है? 2260 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, ठीक है, 2260 किलोमीटर इसकी क्या है, कुल लंबाई। छत्तीसगढ़ सरकार ने राम वन गमन पथ के अंतर्गत कितने स्थलों को चिन्हित किया गया है? ठीक है, कितने स्थलों को चिन्हांकित किया गया है? तो 75 स्थल, मतलब कि 75 स्थानों को चिन्हांकित किया गया है। प्रथम चरण में हम लोग क्या देखते हैं, प्रथम चरण में अभी 10 स्थानों को वहाँ पर डेवलप किया जा रहा है, ठीक है, विकसित किया जा रहा है, और अभी वर्तमान में बात करेंगे तो 6 स्थानों का उद्घाटन भी वहाँ पर किया जा चुका है, मतलब कि वहाँ पर जो भी इनॉग्रेशन का जो भी प्रोसेस वगैरह जो भी है वो सब चीज़ किया जा चुका है, मतलब वहाँ राम भगवान की मूर्ति वगैरह जो स्थापित किया जा रहा है उसको डेवलप करने के बाद वहाँ पर उसका उद्घाटन किया जा चुका है, ऐसा टाइप का है, 6 स्थानों का अभी वर्तमान में फिलहाल, हो सकता है बढ़ भी गया होगा, आप लोग उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 6 स्थानों का हो चुका है। प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है, कौन कौन सा हम लोग जानते हैं, आरंग और रतनपुर, ठीक है, दो जगह है जिसको हम लोग जानते हैं राजा मोरध्वज का संबंध जोड़ा जाता है, मतलब देखो ऑप्शन में क्या क्या है, 1 और 3, ठीक है, 1 और 3 क्या होगा इसका सही आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन देखें, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? ठीक है, रत्नावलीपुरी किसका नाम था, तो ये रतनपुर का नाम था, ठीक है, रतनपुर को हम लोग क्या जानते हैं, रत्नावलीपुरी के नाम से भी जाना जाता है, ये एग्ज़ाम मतलब अभी अभी कोई एग्ज़ाम है, शायद ACS के एग्ज़ाम है, CGPSC द्वारा पूछा गया था क्वेश्चन को, ठीक है, याद रखेगा। ऋषभ तीर्थ, अगर आपको याद होगा तो रतनपुर को और किस किस नाम से पुकारते हैं, किस किस नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है, क्या क्या कहते थे, मणिपुर कहते थे, तालाबों और मंदिरों की नगरी कहते थे, तालाबों की नगरी कहते थे, इस प्रकार से क्या क्या बोलते हैं उसको आप लोग कमेंट में लिखिएगा वहाँ पर। ऋषभ तीर्थ छत्तीसगढ़ के किन जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ किस जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा में स्थित है, हम लोग जानते हैं ना, गुंजी। आनंद प्रभु कुटी विहार, अच्छा ऋषभ तीर्थ कौन है, कौन से क्रम के तीर्थंकर है, याद है तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक है, जैन तीर्थंकर हैं, तो कौन से क्रम के तीर्थंकर हैं छत्तीसगढ़ में, जिनका हमको ये ऋषभ तीर्थ जांजगीर छापा से जानकारी प्राप्त हो रही है, पहले क्रम के हैं कि कोई दूसरे क्रम के है, कौन से क्रम के हैं उसको आप लोग लिखिएगा, ठीक है, फिलहाल तो मैंने हिंट दे दिया है, उतने से आपको समझ में आ गया होगा। आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी है? आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य जो प्रतिमा है वो बुद्ध की है, ठीक है, भगवान बुद्ध की प्रतिमा है। 25वें देखिए क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार एवं प्रतिमाएं मिली है? निम्न में से किस स्थान पर बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध विहार पर प्रतिमाएं मिली है? तो ये है सही आंसर क्या, सिरपुर। सिरपुर में हम लोग जानते हैं बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सभी धर्म के वहाँ पर लगभग आपको कुछ ना कुछ मूर्ति या फिर मंदिर वगैरह देखने को मिल जाएगा, ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे पांडुवंश जो एक महाशिवगुप्त बालार्जुन थे वो सारे धर्म को मतलब उतना ही महत्व देते थे जितना अपने धर्म को मानते थे, इसी वजह से वहाँ पर हर एक प्रकार का मंदिर हमको देखने को मिलता है। देखिए भोंगापाल, ठीक है, क्या बोल रहा है, भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है, ठीक है, भोंगापाल किसके लिए जाना जाता है, तो ये बौद्ध विहार के लिए जाना जाता है, ठीक है, यहाँ पर बौद्ध विहार है, बौद्ध हम लोग देखते हैं, ठीक है, बौद्ध चैत्य का निर्माण किया गया है। देखो यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन आ गया, बस्तर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध चैत्य गृह का
बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुआ है ये बोला जा रहा है ना। फिलहाल ये कोंडागांव वाले क्षेत्र में इसको हम लोग देखते हैं, ये जो भोंगापाल है उसको। तो क्या बोल रहा है, बस्तर के निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुआ है ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर क्या है, भोंगापाल। ठीक है, जो भी हम लोग देखें ना वही है, जैन बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध चैत्य गृह प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से महानदी पर स्थित किस स्थान पर बौद्ध हिंदू और जैन मंदिरों और मठों के स्मारक प्राप्त हुए हैं। अभी जस्ट मैं बताया हूँ आपको कि जो सिरपुर है, सिरपुर में हर एक प्रकार के आपको जैसे कि बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन धर्म, इन सभी धर्म के हमको जो भी साक्ष्य है, मतलब कि जो मंदिर और मठों के जो स्मारक है वो हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 29 देखिए, इस राज्य में स्वास्तिक विहार संबंधित है। स्वास्तिक विहार किससे संबंधित है, पक्षी, देखो क्या क्या बोल रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें जो भी दिया गया है ये सब कोई काम का नहीं है, यहाँ पर बौद्ध केंद्र है। ठीक है, याद रखेंगे स्वास्तिक विहार, ये भी सिरपुर में है ना, ध्यान में रखेंगे। छत्तीसगढ़ में जैन धर्म के स्मारकों के प्राचीन भंडार खाली स्थान में पाए गए हैं। ठीक है, जैन धर्म के प्राचीन स्मारकों के, देखो अभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका आंसर क्या लिया गया पता है आपको, ये पहला। ठीक है, मल्हार है, सिरपुर है, महेशपुर है और आरंग है, इन सभी जगह से हमको जैन धर्म के स्मारक प्राप्त होते हैं, मतलब जैन धर्म संबंधित जो भी साक्ष्य वगैरह हमको प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी जगह थे, मल्हार से, सिरपुर से, महेशपुर से और आरंग। ठीक है, जैन धर्म के स्मारक प्राप्त हुए। ठीक है, 31 देखिए, भांड देउल जैन मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, भांड देउल जैन मंदिर हम लोग जानते हैं रायपुर का जो आरंग है वहाँ पर स्थित है। ठीक है, भांड देउल, बाघल देउल जैन मंदिर हम लोग देखते हैं वहीं पर है। देखिए, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर है, छत्तीसगढ़ में मंदिरों का नगर किसको कहते हैं, तो मंदिरों की नगरी कहते हैं, मतलब मंदिरों का नगर कहते हैं आरंग को, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, मंदिरों का नगर किसको कहते हैं, आरंग कहते हैं। और अगर यहीं पर पूछा जाएगा कि तालाबों और मंदिरों की नगरी किसको कहते हैं, तो उस कंडीशन में हमको क्या लेना पड़ेगा, रतनपुर लेना पड़ेगा। और या फिर अगर पूछा जाएगा कि सिर्फ तालाबों की नगरी किसको कहते हैं, तो उस कंडीशन में भी हमको रतनपुर को लेना है। ठीक है, 33वां देखिए, दुर्ग जिले के नकपुरा, ठीक है, दुर्ग जिले के नकपुरा नामक गाँव में खाली स्थान का एक प्राचीन मंदिर है। ठीक है, कौन से क्रम के जो तीर्थंकर हैं उनका प्राचीन मंदिर है, दुर्ग जिला के नकपुरा है वहाँ पर, तो वहाँ पर क्या है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पार्श्वनाथ के वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत भव्य है, आप कभी मौका मिले तो जाइएगा। तो नकपुरा में क्या है, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का वहाँ पर मंदिर बनाया गया है। ठीक है, दुर्ग का नकपुरा, नकपुरा नामक जगह है वहाँ पर। सूतनका नामक देवदासी, ठीक है, अब देखो सूतनका, यहाँ से मौर्यकालीन जो भी साक्ष्य हमको देखने को मिल रहे हैं ना, इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब देख रहे थे। अभी यहाँ पर सूतनका नामक जो देवदासी वगैरह है उसके बारे में यहाँ पर धीरे से हमको देखने को मिल रहा है, ये सब देखिए मौर्यकालीन जो भी साक्ष्य के देखेंगे। ठीक है, देखो सूतनका नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख से प्राप्त हुआ है, तो ये हम लोग क्या जानते हैं, जोगी मारा, सरगुजा जिला का रामगढ़ की जो पहाड़ी है वहाँ पर एक जोगी मारा नाम की गुफा है, जहाँ पर सूतनका नामक एक देवदासी है। क्या हम लोग जानते हैं कि सूतनका नामक जो देवदासी है, देवदत्त, मतलब क्या देखते हैं, देवदत्त और सूतनका, ठीक है, ये दो प्रेमी जोड़े हैं जिसमें सूतनका नामक ये देवदासी होती हैं, जिनका वहाँ पर प्रेम कहानी का वर्णन हमको देखने को मिलता है, कहाँ पे, रामगढ़ की पहाड़ी में। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं इसको, रामगढ़ की पहाड़ी में जोगी मारा गुफा में इस प्रकार से प्रेम कहानी का वर्णन वहाँ पर उनका किया गया है। छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं, ठीक है, प्राचीन थिएटर के जो साक्ष्य मिले हैं कहाँ मिले हैं ये पूछा जा रहा है, तो यही रामगढ़ की जो पहाड़ी है वहाँ पर हम लोग देखते हैं, सरगुजा जिले का रामगढ़ की पहाड़ी या फिर रामगिरी पर्वत जिसको हम लोग कहते हैं। कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, कोरिया जिले में कौन सा स्थल अशोककालीन मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है, तो ये हम लोग जानते हैं कोटाडोल। ठीक है, ये मौर्यकालीन साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, मतलब कि सम्राट अशोक के वहाँ पर जो मूर्तियाँ हैं वो सब वहाँ से प्राप्त किया गया है, कहाँ से, कोटाडोल से। ठीक है, ये हम लोग सॉरी कोरिया में नहीं, अब तो फिलहाल ये आपका एमसीबी जिला में चला जाएगा ना, भरतपुर, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, वहाँ चला जाएगा। कोटाडोल एक तहसील है हम लोग जानते हैं, सरगुजा संभाग का जीरा दर्शन का वीडियो डला हुआ है, आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे तो कोटाडोल के बारे में मैंने बात किया हुआ है, वहाँ पर अशोककालीन जो भी मूर्तियाँ हैं, जो भी साक्ष्य है वो हमको प्राप्त हुए हैं, ऐसे मैंने वहाँ पर बोला था। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का
पदनाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो ये हम लोग क्या जानते हैं कि जो किरारी का काष्ठ स्तंभ है, जांजगीर चांपा अभी फिलहाल शक्ति में चला गया है वो, तो ये शक्ति जिला में हम लोग क्या जानते हैं कि जो किरारी है, किरारी एक गाँव है, वहाँ पर एक लकड़ी का स्तंभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, लकड़ी का स्तंभ है जिसको यज्ञ स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहीं पर लिखा है क्या? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो स्तंभ है उस किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है उसमें सातवाहन कालीन जो पदाधिकारी हैं उनका नामों का उल्लेख वहाँ पर किया गया है। ठीक है, आगे हम एक का नाम वहाँ पर देखेंगे, अभी आएगा, जस्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको यहाँ पर मैंने शामिल किया हुआ है तो आएगा। तो जो भी पदाधिकारी है उनका नाम हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन फिलहाल, अच्छा यहाँ नहीं और आगे आएगा वो, इसमें देखिए क्या बोल रहा है। दमाऊ दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है, दमाऊ दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार, अच्छा दमाऊ दरहा के बारे में बात करें, ठीक है, तो दमाऊ दरहा नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गाय दान में दी थी, यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो यह हम लोग क्या देखते हैं, गुंजी है ना, गुंजी का जो शिलालेख है, गुंजी में हमको ये जो दमाऊ दरहा जो बोला जा रहा है ना, दमाऊ दरहा एक झरना है, झरना के पास में एक हमको शिलालेख प्राप्त हुआ है ना, चट्टान लेख बोल रहे हैं ना, मतलब शिलालेख है। तो गुंजी का जो शिलालेख है उस, हम लोग जानते हैं किरारी के काष्ठ स्तंभ गुंजी का शिलालेख है, हम लोग जानते हैं। तो गुंजी में जो चट्टान लेख प्राप्त हुआ है, फिर शिलालेख जो प्राप्त हुआ है उसमें कुमार वरदत्त श्री के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ये हम लोग जानते हैं एक सातवाहन वंश के एक शासक थे। तो इनका हम क्या देखते हैं, इनके बारे में क्या जानकारी प्राप्त होती है कि इन्होंने 1000 गाय दान दिया था। ठीक है, 1000 गाय इन्होंने दान दे दिया था, ब्राह्मणों को इन्होंने दान किया था क्योंकि ये अपना उम्र बढ़ाना चाहते थे। अपने उम्र बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया कि 1000 गाय को दान में दे दिया ब्राह्मणों को, ऐसा टाइप का हमको इस चट्टान लेख या फिर शिलालेख से हमको जानकारी प्राप्त होती है गुंजी ग्राम शक्ति से। किरारी के यज्ञ स्तंभ, ठीक है, मतलब मैंने बोला था किरारी का काष्ठ स्तंभ है, किरारी का जो यज्ञ स्तंभ या फिर किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है में उल्लेखित पदाधिकारी कुलपुत्रक, देखो इसको ध्यान में रखेंगे, कुलपुत्रक कौन था? तो किरारी के काष्ठ स्तंभ में कुलपुत्रक लिखा हुआ है, वो कुलपुत्रक जो वहाँ पर उल्लेख किया गया है ना, लिखा गया है, वो किसके लिए लिखा गया है? तो वो लिखा गया है अभियंता या फिर मुख्य मिस्त्री के लिए। ठीक है, अभियंता या फिर मुख्य मिस्त्री के लिए क्या लिखा गया है, कुलपुत्रक ये शब्द लिखा गया है। किसमें? किरारी का जो काष्ठ स्तंभ है उसमें। किरारी के काष्ठ स्तंभ को वर्तमान में अभी कहाँ पर रखा गया है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, अगर मालूम होगा तो, मतलब छत्तीसगढ़ में वो कौन सा संग्रहालय है जहाँ पर इसको रखा गया है वर्तमान में, बताइए, आपको कमेंट करके बताना है इसको। समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय अभियान, ठीक है, दक्षिण अभियान या फिर दक्षिण विजय अभियान में पराजित कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था? ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोसल राज्य का राजा बोल रहे हैं ना, कोसल राज्य का राजा मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में उस समय, छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें, छत्तीसगढ़ में कहाँ, छत्तीसगढ़ के बीच वाला जो क्षेत्र है ऊपर और दक्षिण को छोड़ दो तो बीच वाला जो क्षेत्र है उसको हम कोसल कहेंगे। तो कोसल राज्य का राजा निम्न में से कौन था ये पूछा जा रहा है, कब कौन सा था, मतलब कब समुद्रगुप्त ने जिस समय दक्षिण विजय अभियान किया था उस समय, तो उस समय कौन था, महेंद्र था। 41 देखिए, महाकांतर है ना, महाकांतर मतलब यहाँ पर बस्तर के बारे में बात कर रहे हैं, महाकांतर के किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था ये पूछा जा रहा है। ठीक है, महाकांतर किस राजा को समुद्रगुप्त ने हराया था, ये बहुत आसान है, हम लोग क्या जानते हैं, व्याघ्रराज जानते हैं, है ना, व्याघ्रराज देखते हैं। तो और कौन कौन से हम लोग मतलब देखते हैं, ये जो नलवंशी जो शासक है ना उनका नाम अगर याद आ रहा होगा तो ऐसे आप लोग लिखना है। ठीक है, व्याघ्रराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, ऐसे हम लोग देखते हैं ना, व्याघ्रराज, वराहराज, भवदत्त वर्मन, फिर क्या देखते हैं, अर्थपति भट्टारक, स्कंद वर्मन, ऐसे फिर और क्या देखते हैं, विलास तुम देखते हैं, नरेंद्र धवल देखते हैं, इस प्रकार से। तो जितने भी शासक हैं ना, अगर आपको याद आ रहा होगा तो उसको एक बार हल्का से रिवाइज कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो समुद्रगुप्त ने महाकांतर के राजा को, मतलब कि जो दक्षिण वाले क्षेत्र में, मतलब कि जो नलवंश से जो शासक थे उसके व्याघ्रराज को पराजित किया था।
और छत्तीसगढ़ के जो मध्य वाले क्षेत्र है जहाँ पर वाकाटक वंश का शासन चल रहा था, तो वाकाटक वंश के शासक महेंद्र सेन को पराजित किया था। दो शासकों को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। ये हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में अच्छे से पढ़ते हैं। 42वां क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया। देखो यही जो दक्षिणापथ अभियान के दौरान कोसल के राजा महेंद्र को समुद्रगुप्त ने पराजित किया था, तो किसमें लिखा गया ये पूछा जा रहा है। तो ये लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति। हम लोग जानते हैं कि हरिसेन, हरिसेन कौन था, दरबारी कवि था, ये गुप्त वंश के दरबारी कवि थे एक हरिसेन नाम के। तो उन्होंने अपना एक मतलब उनकी प्रयाग प्रशस्ति, उनके द्वारा लिखा गया है प्रयाग प्रशस्ति। तो यही प्रयाग प्रशस्ति में हम लोग क्या देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त है उन्होंने किस प्रकार से दक्षिण में विजय अभियान चलाया था उसके बारे में हम लोग जानते हैं। महेंद्र सेन को पराजित किया, कोसल के जो राजा है महेंद्र सेन उनको, है ना, वाकाटक वंश वाले। दक्षिण का जो हम लोग अभी जस्ट देखे हैं दंडकारण्य वाला क्षेत्र है, मतलब कि महाकारण महाकांतर वाला जो क्षेत्र है उसमें ये व्याघ्रराज जो नल वंश शासक है वो थे, उनको पराजित किया। ये दो चीज़ हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे उसको। 43वां क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कथन पढ़िए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति, अभी जस्ट मैं बोला हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा जाता है, ये बोला जा रहा है प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा जाता है, ये पूछा, ठीक है। समुद्रगुप्त ने हमको वैसे ही फिलहाल बोला क्या गया है यहाँ पर, सही कथन, अच्छा सही कथन चुनना है। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया, ठीक है ये भी है। उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया, ये कथन सही नहीं है, ठीक है। मतलब कि हमारा देखो क्या किया था इन्होंने, ये जो हम लोग जानते हैं समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति जो किया था मतलब दक्षिण विजय अभियान इन्होंने जो किया था, इसमें इन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाया था। मतलब क्या करते थे, राजा जो भी साम्राज्य है, जो भी राजा है जिसको हराना है उसको हरा देते थे, और हराने के बाद उनको उनका साम्राज्य को वापस सौंप देते थे, ठीक है। उनको अपना अपने साम्राज्य में उसको सम्मिलित नहीं करते थे, ठीक है, अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं करते थे, बल्कि उनको पुनः सौंप दिया जाता था ऐसा, ठीक है। तो ये कथन हमारे लिए क्या हो जाए, गलत हो जाए, क्योंकि समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति अपनाया था, ठीक है। तो ये हम लोग क्या जानते हैं कि पहला और दूसरा कथन क्या है, सही है। चलिए, बहुत सारा कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं जिसको आप लोग विस्तार से नहीं समझे रहेंगे ना, तो चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं, तो बेटर होगा कि इसको एक बार पढ़िए, और अगर ऐसा कुछ परेशानी होता है सेल्फ स्टडी करने में तो हमारा क्लासेस भी चलती हैं, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए 44वां क्वेश्चन, इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इस राज्य में कांचगुप्त के सिक्के इसमें से कहाँ प्राप्त हुए, ये पूछा जा रहा है। तो ये हमको प्राप्त हुआ है बानाबरद से, ठीक है, बानाबरद दुर्ग का जो बानाबरद है वहाँ से हमको कांचगुप्त, है ना, गुप्त वंश शासक है जिसके सिक्के प्राप्त हुए हैं। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणापथ अभियान में निम्नलिखित राज्यों को जीता जिसमें से दो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र थे। अभी जस्ट हम लोग इसको कई बार देख चुके हैं, फिलहाल ज़्यादा कुछ इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। कोसल और महाकांतर, ठीक है, ये दो चीज़ देखते हैं जो कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आता था, है ना, 1 और 3। देखिए, मेघदूत वे वर्णित रामगिरी पर्वत, देखो मेघदूत में वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के किस जिले में है, यह पूछा जा रहा है। यह हम लोग जानते हैं सरगुजा। तो मेघदूत की रचना कालिदास ने की थी, है ना, कालिदास ने क्या की, मेघदूत की रचना की, जो कि गुप्त वंश के दरबारी कवि थे। तो गुप्त वंश के जो दरबारी कवि कालिदास हैं उन्होंने रामगिरी पर्वत में ही ये मेघदूत की रचना की थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको याद रखेंगे, मतलब कि फिलहाल चलो इसके बारे में और ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करेंगे वरना समय बहुत आगे निकल जाएगा, ठीक है। 47वां क्वेश्चन देखिए, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण विलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। देखो राजीव लोचन मंदिर का निर्माता, अच्छा राजीव लोचन मंदिर का निर्माता बोल रहे हैं विलासतुंग, राजीव लोचन मंदिर का निर्माता विलासतुंग इस राज्य के निम्नलिखित में से किस प्राचीन राजवंश से संबंधित है। तो विलासतुंग हम लोग क्या जानते हैं, नल वंश से संबंधित है, अभी जस्ट मैंने बात किया था, है ना, व्याघ्रराज वराहराज भवदत्त वर्मन, इस प्रकार से सबका शासकों का नाम। राजीव लोचन मंदिर राजिम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर कहाँ है, राजिम में है, ये तो फिलहाल हमको मालूम है, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, ये बोल रहा है,
ये तो गलत है, इसे नलवंश शासक ने बनवाया था, बोरा इसे नलवंश शासक ने बनवाया था, ठीक है ये तो सही है। नलवंश शासक जो विलासतुंग है उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक ये हम लोग देखते हैं। इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति है ये बोल रहा है, नहीं ये तो गलत है, ठीक है इसमें भगवान रामचंद्र की मूर्ति नहीं है। यह पंचायतन शैली में, ठीक है यह पंचायतन शैली का मंदिर है, ये भी सही है, ठीक है। तो हमारे लिए कौन कौन सही है, दूसरा और चौथा, हमारे लिए पहला ये मतलब कि दूसरा और चौथा ये वाला ऑप्शन ए हमारे लिए सही है। 49 देखिए, नलवंश के शासकों की मुद्रा सॉरी नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ मिली है। नलवंश के शासकों की स्वर्ण मुद्राएं हमको ये जो केश काल में अडंगा है, मतलब कि केश काल जो घाटी है वहीं पर अडंगा हमको देखने मिलता है कोंडागांव में। तो जो अडंगा है, अडंगा से हमको जो नलवंश शासक हैं उनके मुद्राएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। आगे एक दो क्वेश्चन और आएगा अभी नलवंश के, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नलवंश की राजधानी थी, बोल रही है नलवंश की राजधानी कौन से थी। तो हम लोग जानते हैं पुष्करी, नलवंश की दो राजधानी थी, एक हम लोग देखते हैं कोरापुट है ना, एक क्या देखते हैं कोरापुट देखते हैं जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में आता है, और दूसरा हम लोग क्या देखते हैं पुष्करी देखते हैं। तो पहले कोरापुट इनकी राजधानी थी नलवंश की, और उसके बाद में इन्होंने अपनी राजधानी यहाँ पर पुष्करी में शिफ्ट कर लिया था। तो इस प्रकार से हम लोग दो राजधानी देखते हैं नलवंश की, कोरापुट पहले देखते हैं फिर उसके बाद पुष्करी देखते हैं। भोपाल पट्टनम वाला जो क्षेत्र है ना बस्तर में, उसी को हम पुष्करी कहते हैं। रिद्धिपुर ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के सशक्त ऐतिहासिक प्रमाण है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या जानते हैं, रिद्धिपुर देखो दो ताम्रपत्र हैं बोल रहे हैं, रिद्धिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र। रिद्धिपुर ताम्रपत्र हम लोग ना भौदत्त वर्मन के बारे में जानकारी यहाँ से हम लोग देखते हैं, ठीक है। रिद्धि भव ऐसा टाइप का कुछ मैंने याद किया हुआ था, तो भौदत्त वर्मन के बारे में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसकी जानकारी प्राप्त होती है रिद्धिपुर ताम्रपत्र से। और केसरी बेड़ा जो अभिलेख है तो अर्थपति भट्टारक जो है उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है केसरी बेड़ा अभिलेख से, ऐसा टाइप का हम लोग देखते हैं। तो ये जो भी राजवंश है वो नलवंश से शासक थे, ठीक है। जो दो तीन नाम है बताया ना, रिद्धिपुर जो ताम्रपत्र है, भवदत्त वर्मन, केसरी बेड़ा से अर्थपति भट्टारक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग नलवंश जो शासक है उनके बारे में यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। फिफ्टी देखिए क्या बोल रहे हैं, रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीमसेन के आरंग ताम्रपत्र में निम्नलिखित किन राजाओं का उल्लेख किया गया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये किसका उल्लेख किया गया है, देखो क्या क्या दिया है, आरंग ताम्रपत्र, ठीक है। आरंग ताम्रपत्र में राजा भीमसेन के किन राजाओं को उल्लेख किया गया ये पूछा जाए। तो ये आरंग ताम्रपत्र में तो फिलहाल सूरा का भी वर्णन है, दयित का भी, विभीषण का, उपरोक्त सभी इसका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। उपरोक्त सभी क्या है, इसका आंसर होगा। देखिए 53 देखिए, राजऋषि तुल्य कुलवंश, अच्छा यहाँ पर जो राजऋषि तुल्य कुलवंश मतलब ये जो देख रहे थे ना ये सभी क्या है, राजऋषि तुल्य कुलवंश के ही शासक हैं, है ना, ध्यान में रखेंगे। राजऋषि तुल्य कुलवंश हमारे छत्तीसगढ़ का पहला राजवंश हम लोग देखते हैं, है ना। अब इनके राजवंशों का क्रम भी आप लोग ऐसे याद रखेंगे, जैसे कि मैंने क्या कैसे याद रखा है कि राज ने, है ना, राजऋषि तुल्य वंश हो गया, राज ने मतलब नलवंश, राज ने शराब ऐसा टाइप का, शराब शराबपुरी वंश, राज ने शराब, फिर ऐसे पांडु वंश, ऐसे टाइप का, इस प्रकार सीक्वेंस आप लोग कुछ कुछ ट्रिक वगैरह बना करके याद रख सकते हैं। तो ऐसे टाइप का है राज ने शराब पांडु, इस प्रकार से वो ट्रिक उसका ऐसा है याद, ठीक है। बाकी देखिए आगे, राजऋषि तुल्य कुलवंश का अंतिम शासक कौन था ये पूछा जा रहा है, राजऋषि तुल्य कुलवंश का अंतिम शासक कौन था। तो ये था दयित वर्मा द्वितीय, सॉरी ये नहीं, ये होगा ठीक है, भीमसेन द्वितीय, ठीक है, भीमसेन द्वितीय अंतिम शासक बोला है ना, अंतिम शासक। तो हम लोग क्या देखते हैं, सुरा दैत विभीषण भीम ऐसे टाइप का, ठीक है, सुरा दैत विभीषण भीम ऐसे, फिर दूसरे और चौथे नंबर को जो है वो रिपीट हो जाता है, ठीक है,
सुरा दैत, तो दैत रिपीट हो जाएगा, दैत द्युति हो जाएगा, सुरा दैत विभीषण भीम, तो फिर यहाँ पर भीम रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भीम जो रिपीट हुआ है ना, यही अंतिम शासक है, भीमसेन द्वितीय अंतिम शासक है, ठीक है। राज्य ऋषितुल्य वंश का अंतिम शासक कौन है, तो ये भीमसेन द्वितीय है। इस राज्य के प्राचीन काल में प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश सर्वप्रथम आया था, बोल रहा है। तो यही हम लोग देखें, राज ऋषितुल्य कुल वंश, अभी जस्ट में बता रहा था, राज ने सरा पांडु, इस प्रकार से राज ऋषितुल्य कुल की जानकारी निम्नलिखित अभिलेखों से प्राप्त होती है, ठीक है। किस अभिलेख से प्राप्त होती है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं कि आरंग जो ताम्रलेख है वहाँ से हमको राज ऋषितुल्य कुल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और यह जो ताम्रपत्र है वो भीमसेन द्वितीय का था, मतलब कि भीमसेन द्वितीय का जो आरंग ताम्रपत्र है वहाँ से हमको राज ऋषितुल्य कुल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 56 देखिए, राज ऋषितुल्य कुल वंश के संस्थापक कौन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि सूरा या फिर सूर इसके संस्थापक हैं, ठीक है। 57 देखें, निम्नलिखित में से कौन सी राज ऋषितुल्य कुल वंश की राजधानी थी, ये पूछा जा रहा है। तो राज ऋषितुल्य कुल वंश की राजधानी कौन सी थी, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। अभी आरंग है ना, दो तीन बार आ चुका है ना, आरंग ताम्रपत्र, आरंग ये वो, दुनिया भर किसी जगह ऐसा आया हुआ था आरंग ताम्रपत्र। निम्नलिखित राजवंशों ने प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ में शासन किया, अच्छा इनका सीक्वेंस पूछा जा रहा है हमसे कि पहला कौन था, दूसरा कौन था, इस प्रकार से। तो अभी जस्ट मैं बताया, राज ने सराब है ना, फिर पांडु वंश इस प्रकार से आता है, फिर ये बाण वंश आता है, फिर फणी नाग वंश आता है, फिर छिंदक नाग वंश आता है, इस प्रकार से। तो ये नाग वंश लास्ट में रहेगा, इसीलिए आप देखेंगे चार 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 सब लास्ट में है, बाकी राज ने सराब ऐसे टाइप का, ठीक है, राज ने सराब ऐसे टाइप के तीनों याद रखेंगे। तो राज पहला कहाँ है, देखो पहला पहले इसमें दोनों में है, फिर ने से ना, मतलब कि आपका तीसरा वाला ये होगा, मतलब कि ऑप्शन ये सही होने जा रहा है, ठीक है, बी ऑप्शन क्या रहेगा इसका, सही होगा, ऐसे टाइप का है। 59 देखिए क्वेश्चन, किस काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में राज ऋषितुल्य राजवंश का शासन था, पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये चौथी से छठी शताब्दी में क्या था, राज ऋषितुल्य कुलवंश का शासन था, ठीक है, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, आरंग वाले क्षेत्र में, ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो रायपुर का आरंग है उस वाले क्षेत्र में। इस राज्य के निम्नलिखित किस प्राचीन राजवंश ने प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र, अब देखो प्रसन्न मात्र आ गया, ठीक है, अब यहां से शुरू होता है सर्वपुरी वंश, इस प्रकार से, ठीक है, प्रसन्न मात्र, प्राचीन राजवंश से राजा प्रसन्न मात्र संबंधित है, ठीक है, तो सर्वपुरी वंश संबंधित है। 61 देखिए, सर्वपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के चलाए थे, ये पूछा जा रहा है, स्वर्ण सिक्के चलाए थे, तो ये हम लोग जानते हैं प्रसन्न मात्र, ये बहुत पराक्रमी शासक थे, कौन, प्रसन्न मात्र, है ना, प्रसन्न मात्र ने ही क्या किया था, अपना जो साम्राज्य है धीरे धीरे उनका विस्तार करना शुरू किया था। प्रसन्न मात्र ने ही क्या किया था, जो मल्हार है, मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में प्रवेश करके मल्हार वाले क्षेत्र को, मतलब मल्हार को बसाया था, ठीक है, मल्हार को ही प्रसन्नपुर के नाम से जानते हैं, और प्रसन्न मात्र ने ही क्या किया था, मल्हार को बसाया था, ठीक है, बिलासपुर को जो मल्हार है ना, उस मल्हार शहर को किसने बसाया था, पूछा जाएगा, किसने राजधानी बनाया था, पूछा जाएगा, तो क्या याद रखेंगे, प्रसन्न मात्र। सर्वपुरी वंश के हम लोग तीन राजधानी देखते हैं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर जो हम लोग क्या देखते हैं, जो संबलपुर वाला क्षेत्र है वहाँ पर पहली राजधानी बनाया, जिसको सर्वपुर कहा गया, ठीक है, सर्वपुर कहा गया, सर्व राज द्वारा इसको बसाया गया। फिर यहाँ पर हम लोग प्रसन्नपुर देखते हैं, प्रसन्न मात्र ने बसाया बिलासपुर वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में। फिर यहाँ पर श्रीपुर देखते हैं, श्रीपुर, ठीक है, जिसको प्रवर राज, आगे हम लोग देखेंगे, प्रवर राज प्रथम ने वहाँ पर श्रीपुर को राजधानी बनाई थी। तो इस प्रकार से तीन राजधानी हम लोग देखते हैं सर्वपुरी राजवंश के, CGPSC द्वारा इसको पूछा गया था ना, ध्यान में रखेंगे, सर्वपुरी राजवंश के तीन राजधानी कौन कौन सा, एक सर्वपुर है, फिर प्रसन्नपुर है, और उसके बाद श्रीपुर है, ठीक है, तीन राजधानी हम लोग देखते हैं, सिरपुर मतलब कि श्रीपुर ऐसा टाइप है वो। छत्तीसगढ़ का प्राचीन सर्वपुरी वंश के शासकों की निम्नलिखित राजधानियाँ थी, देखिए अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर देखो, मैं अभी जस्ट बताया आपको, सर्वपुर था राजधानी, ठीक है, सिरपुर था जिसको हम श्रीपुर बोलते हैं, और प्रसन्नपुर जिसको अभी जस्ट मैं बताया प्रसन्न मात्र ने बसाया था उसको, है ना, ये है ना, प्रसन्न मात्र ने जो
प्रसन्नपुर है, मतलब कि जो मल्हार है, मल्हार को ही प्रसन्नपुर बोलते थे, तो प्रसन्नपुर को वहाँ पर अपनी राजधानी बनाई थी। तो तीन राजधानी हम लोग देखते हैं, दो तीन और चार। दो तीन और चार कहाँ है? ठीक है, दो तीन और चार। सरभपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? तो सरभपुरी अमरार्य कुल, देखो सरभपुरी वंश को ही और क्या कहते हैं, अमरार्य कुल भी कहते हैं ना, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सरभपुरी वंश को ही क्या कहते थे, अमरार्य कुल के नाम से जाना जाता था। तो सरभपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे, ये सही क्या है इसका? वैष्णव धर्म का पालन करते थे। 64 देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ के सरभपुरी शासक सुदेवराज ने अपने अधिकारी इंद्रबलराज, या तो इंद्रबलराज रहेगा या फिर सिर्फ इंद्रबल रहेगा ना, ध्यान में रखेंगे। तो इंद्रबलराज को निम्नलिखित में से किस पद पर आसीन किया? तो इन्होंने क्या किया था, सर्वाधिकारीकर्ता ये जो पद है इस पर आसीन किया था। मतलब कि जो सुदेवराज हैं, सरभपुरी एक शासक है क्या, सुदेवराज। तो सुदेवराज ने क्या किया, अपने अधिकारी या फिर अपने एक सामंत जिसका नाम क्या था, इंद्रबलराज या फिर सिर्फ इंद्रबल, तो इनको क्या कर दिया, सर्वाधिकारी कर्ता नियुक्त कर दिया। किसको नियुक्त कर दिया, इंद्रबल को। इंद्रबल क्या बन गया, सर्वाधिकारी कर्ता बन गया। किस वंश का, सरभपुरी वंश का। मतलब कि बहुत सारा जो पावर है, बहुत सारे जो कार्य करने की जो शक्ति है, किसके पास आ गया, इंद्रबल के पास आ गया। अब इंद्रबल क्या करते हैं कि इसी का फायदा उठा करके सरभपुरी वंश के एक शासक जो होते हैं प्रवर राजदूति, उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक, और स्वयं पांडु वंश का नींव रख देते हैं। इस प्रकार से हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास में बहुत विस्तार से उसको समझते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या जाने, सर्वाधिकारी कर्ता नियुक्त किया था इंद्रबल को, किसने, सुदेवराज ने। सर्वपुरी, अच्छा ये जो सर्वपुरी राजवंश है ना, इसके जितने भी जो शासक हैं उसको नाम रखने, याद रखने का एक बहुत अच्छा ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर याद रखेंगे ऐसे, ये सर ने प्रसन्न मन से प्रवरदान, ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, तो ऐसे में याद हो जाएगा, ठीक है। सरभराज, फिर ये नरेंद्र, प्रसन्न मात्र, मन मात्र, मन मात्र को ही हम जयराज कहेंगे, दुर्गराज कहेंगे, है ना, ये सुदेवराज, फिर प्रवर राज, प्रथम प्रवर राज, द्वितीय, इस प्रकार से ये सर्वपुरी राजवंश के जितने भी शासक हैं ना, उसको आप लोग बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। आपके पास अगर बुक हो गए तो एक बार जितने भी जो शासक हैं उसको खोलिए, मतलब उनको देखिए एक बार, और उसको ट्रिक बनाने की कोशिश करिए, कुछ ऐसा ही ट्रिक बनेगा, ठीक है। ऐसा कुछ ट्रिक बना करके आप लोग उसको आसानी से याद रख सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर ट्रिक को लिख दिया है, उनके शासकों का नाम एक बार, अगर यहाँ पर समझ नहीं आया होगा, शासकों का नाम एक बार देखिएगा, वहाँ पर ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, सर्वपुरी वंश के शासक जयराज की मुद्राओं, अच्छा देखो मैंने क्या बोला ना, ये मन, मन में लिखा ना, मन, यही मन मात्र को ही क्या कहते थे, जयराज भी कहते थे, ठीक है, इसी का नाम है, मन मात्र, जयराज या फिर दुर्गराज, इस प्रकार से अलग अलग नाम से हमको देखने को मिलता है। फिलहाल वही ऐसे याद रखेंगे उसको। तो जयराज की मुद्राओं में निम्नलिखित में से कौन सा चिन्ह अंकित है, ये पूछा जा रहा है। तो ये हम लोग जानते हैं, गजलक्ष्मी। ये सर्वपुरी वंश अगर याद आएगा ना, तो एक चीज ध्यान में रखेंगे, गजलक्ष्मी इनकी क्या थी, राज मुद्रा थी, ऐसे कुछ याद रख लेंगे, है ना। गजलक्ष्मी इनकी मुद्राओं में क्या होती थी, गजलक्ष्मी अंकित होता था। 66 देखिए, मनियारी नदी के तट पर स्थित चर्चित स्थल क्या है, चर्चित स्थल जहाँ से रुद्र शिव की प्रतिमा मिली है, ये कहाँ है बोल रहा है, ठीक है ना, मनियारी नदी के तट पर कौन सा स्थल है पूछा जा रहा है। ये तालागांव है। तालागांव में हम लोग क्या जानते हैं कि देवरानी जेठानी मंदिर हम लोग देखते हैं, ठीक, देवरानी जेठानी मंदिर देखते हैं, वहीं पर रुद्र शिव की प्रतिमा है, रुद्र शिव की प्रतिमा, जो सरभपुरी राजवंश है ना, उन्हीं राजवंश की देवरानी और जेठानी दो बहनें थीं, इन्होंने क्या किया, ये जो तालागांव है वहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया, देवरानी जेठानी मंदिर पड़ गया, ऐसे टाइप का है। 67 देखिए, 5वीं-6वीं शताब्दी में निर्मित देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है, कहाँ है, अभी जस्ट मैं बात किया हूँ, तालागांव है। 68 देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है, अभी जस्ट हम लोग बात किए हैं, वही मंदिर है, देवरानी जेठानी मंदिर, ठीक है, सबसे पुराना मंदिर पूछा जाएगा ना छत्तीसगढ़ का, 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास से बना है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 69 देखिए, तालागांव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है, पूछा जा रहा है।
कौन सा कथन सही है? यह मन्यारी नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। यहाँ देवरानी जेठानी मंदिर है, ये भी ठीक है। यहाँ अद्भुत रुद्र शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है, ठीक है, ये भी ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन क्या है? सही है, ठीक है। मतलब सारा का सारा ऑप्शन जो दिया गया है ना, वो सभी के सभी सही हैं। पातालेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ, ये पूछा जा रहा है। पातालेश्वर महादेव का मंदिर ये मल्हार में है, ठीक है। डिडनेश्वरी माता का मंदिर और पातालेश्वर मंदिर, हम लोग दो चीज़ वहाँ पर देखते हैं। कहाँ पर देखते हैं? मल्हार में देखते हैं। डिडनेश्वरी देवी का पूजित मंदिर इनमें से किस स्थल पर है, ये पूछा जा रहा है। अभी जस्ट मैंने बता दिया, मल्हार पर है। 72 देखिए, मल्हार के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है, ये बोला जा रहा है ना। और हमको क्या बोला है कि सही तथ्य को चयन करना है, बोला जा रहा है। यहाँ पुरातात्विक सामग्रियों का विशाल भंडार है, ठीक है। यह स्थान अरपा, लीलागर एवं शिवनाथ नदियों द्वारा घिरा हुआ है, ये कथन भी सही है। देखो ये तो कथन सही है, ये कथन भी क्या है? सही है, क्योंकि ये तीनों साइड हम लोग देखते हैं। इधर मतलब बीच इस प्रकार से अरपा नदी है, इधर से जांजगीर से यहाँ पर बिलासपुर के बीच में लीलागर नदी है, इस प्रकार से यहाँ पर देखते शिवनाथ नदी है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ये जो मल्हार है ना, मल्हार यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो मल्हार को आप देखेंगे तो इधर से अरपा, इधर से लीलागर नदी, इधर से शिवनाथ नदी, ऐसे तो तीनों नदियों से घिरा हुआ है क्या ये मल्हार, यही चीज़ यहाँ पर बोल रहे हैं। तो इसका ए और दो दोनों कथन क्या है? सही है। 73 देखिए, सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था, ये पूछा जा रहा है। सिरपुर के पांडु वंश का प्रथम शासक कौन था? ये था उदयन। एक मिनट रुकिएगा, सिरपुर का, अच्छा यहाँ ठीक, उदयन, ठीक है। हालांकि इंद्रबल ने क्या किया था, पांडु वंश के नींव रख दिया था, लेकिन हम लोग पहला शासक क्या देखते हैं, उदयन को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। उदयन क्या था, पहला शासक था, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन नींव किसने रखी थी, मतलब छत्तीसगढ़ में पांडु वंश के नींव इंद्रबल ने रखा हुआ था। इंद्रबल ने रखा, कैसे रखा था हम लोग जानते हैं, प्रवर राजदूती की हत्या कर दी थी। इंद्रबल को ही सर्वाधिकारीकर्ता नियुक्त किया गया था। हम लोग देखें सुदेवराज ने क्या किया था, सरपुरी राजवंश के सुदेवराज हैं, वो क्या किए थे, क्या किए थे, वो सर्वाधिकारीकर्ता नियुक्त किए थे इंद्रबल को। और इंद्रबल इसी चीज़ का फायदा उठा करके प्रवर राजदूती की हत्या कर देते हैं और पांडु वंश की नींव रख देते हैं, ऐसे टाइप का हम लोग कहानी पढ़ते हैं। बाकी उसको ठीक है, जब भी विस्तार से पढ़ेंगे तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या फिर मेरे दिमाग में एक प्लानिंग आ रहा है कि मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ का कोर्स चलाऊं, है ना, छत्तीसगढ़ का डेली कम से कम एक घंटे का लाइव क्लास लूं, जिसमें छत्तीसगढ़ का पूरा जीएस को मैं कवर करूं, इतिहास को, और छत्तीसगढ़ का जो पंचायती राज है उसको, छत्तीसगढ़ का जो आपका जनजाति वाला पोर्सन है वो सभी को, छत्तीसगढ़ का भूगोल को, छत्तीसगढ़ का जिला दर्शन, ये सब चीज़ को कवर करूँगा, ऐसे टाइप का। मतलब 3 महीना करीबन लग जाएगा कंप्लीट करने में, 3 से 4 महीना। तो ऐसे टाइप का कोर्स लॉन्च करने का मेरा प्लानिंग चल रहा है, तो उसके लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, या फिर व्हाट्सअप नंबर वहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा, शुरू में ही मैं डिस्कस किया था व्हाट्सअप नंबर के, वहाँ पर आप लोग मैसेज करके बोलिए कि वो वाला बैच हमको ज्वाइन करना है। वैसे अगर मुझे कुछ स्टूडेंट अगर मिल जाते हैं, मिनिमम अगर 50-60 स्टूडेंट इस टाइप के डिमांड करते हैं, तो उस कंडीशन में छत्तीसगढ़ के स्पेशल बैचेस में लॉन्च कर दूंगा, ठीक है। वहाँ पर डेली एक एक घंटे की क्लास के माध्यम से हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ को कवर कर लेंगे, प्रीलिम्स के पहले पहले, ठीक है, CGPSC जो प्री होने वाले हैं उससे पहले पहले। तो ऐसा टाइप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, आप लोग बताइएगा। फिलहाल देखिए दूसरा व तीसरा कथन इसमें सही है, ठीक है। अब कैसे सही है उसको आप लोग ध्यान से यहाँ पर पढ़िए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। मैं डायरेक्ट आंसर बता दिया, रटा के ऐसा टाइप को सोचेंगे आप लोग। प्राचीन काल में बस्तर चक्रवर्त कहते थे, ठीक है, ये कथन हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। भोराम देव जो मंदिर है उसका निर्माण किया गया था फड़ी नागवंश शासकों द्वारा, ठीक है, दोनों कथन सही हैं। और सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है इसको सर्वपुरी शासकों ने नहीं बनवाया था, हम लोग जानते हैं, ठीक है, इसको बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे, है ना। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है सर्वपुरी शासकों को नहीं बनवाया था, किसने बनवाया था, पांडु वंश के शासक उन्होंने बनवाया था। पांडु वंश के शासक हम लोग क्या जानते हैं, महासगुप्त बालार्जुन, उनके द्वारा बनाया गया था, ऐसे टाइप के हम लोग पढ़ते हैं ना। तो दूसरा और तीसरा सही है। क्या है दूसरा और तीसरा सही है? 75 देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ के किस राजवंश के शासन काल में सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया गया था। अभी जस्ट मैं बताया हूँ, पांडु वंश जो शासक हैं महासिव गुप्त बालार्जुन, उसके शासनकाल में इसका
निर्माण किया गया था। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित में से मोखरी निम्नलिखित शासक ने मोखरी राजकुमारी वासटा से विवाह किया था। ठीक है, ये कौन है? तो ये थे हर्षगुप्त। ठीक है, हर्षगुप्त ने विवाह किया था वासटा से। ठीक है, मोखरी राजकुमारी है, मोखरी जो राजकुमारी है वो जो मगध वाले क्षेत्र हैं वहाँ की एक राजा है। ठीक है, राजा का नाम एक्चुअली मुझे याद नहीं आएगा। ठीक है, हालांकि मैं पढ़ा हूँ लेकिन दिमाग में ही क्लिक नहीं करने वाला, उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, मेरे को तो मोखरी जो राजकुमारी है, मोखरी वंश की एक राजकुमारी थी, क्या वासटा। तो वासटा से शादी किन्होंने किया था? हर्षगुप्त ने किया था। ठीक है, महासगुप्त बलार्जुन के पिताजी हैं हर्षगुप्त। इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति, ठीक है, कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, या फिर सकल कोसलाधिपति बोले या फिर कोसलाधिपति बोले, दोनों में ध्यान में रखेगा। तिवर देव ने क्या किया था? कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। 78 देखें, सिरपुर के पांडु वंश के महासिवगुप्त बालार्जुन, सिरपुर के पांडु वंश के महासिवगुप्त बालार्जुन का धर्म क्या था? ठीक है, शिवगुप्त जो महासिवगुप्त बालार्जुन, मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको, इनके जितने भी और शासक, मतलब इनके वंश में जितने भी शासक थे वो सभी वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। एक यही महासिवगुप्त बालार्जुन है जो कि शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, ऐसे टाइप हम लोग पढ़ते हैं, सिरपुर के जो पांडु वंश है ये वैष्णव धर्म से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर ये जो महासिवगुप्त बालार्जुन है वो शैव धर्म को मानते थे। 79 देखें, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कोसल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया। अच्छा, ये कहाँ से आ गया? अच्छा चलो, मिक्स है क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चनों का यहाँ पर मिश्रित रूप है और हमको क्या बोल रहा है कि सही कथन का चयन किया। समुद्रगुप्त प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेख है कि उसने कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया। ठीक है, सर्वपुरी वंश के राजा प्रसन्न मात्र ने, सर्वपुरी राजा प्रसन्न मात्र ने प्रसन्नपुर नगर की स्थापना की थी, ये भी सही है। सोम वंश मतलब कि पांडु वंशी राजा महासिवगुप्त बालार्जुन ने सिरपुर में अनेक बौद्ध विहार का निर्माण किया था, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही होगा। 80 में देखें, चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा की थी। चीनी यात्री वेनसांग ने सिरपुर की यात्रा कब की थी? ये 7वीं सदी में की थी। ठीक है, 7वीं मतलब कि 639 ईस्वी के आसपास इन्होंने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी, मतलब कि सिरपुर की यात्रा की थी, ऐसा टाइप के हैं। तो वेनसांग जब हम लोग पढ़ते हैं ना, पांडु वंश को ही हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर वेनसांग के बारे में हम लोग बात करते हैं। ये एक चीनी यात्री हैं जो कि छत्तीसगढ़ में यात्रा करने के लिए आते हैं और वो मुख्य रूप से सिरपुर की, खास करके वहाँ पर यात्रा करते हैं। तो उसी समय है ना, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं, तो ये जो समय इसको याद रखेंगे 639 ईस्वी या फिर 7वीं सदी याद रखेंगे ऐसे। निम्नलिखित में से किस पांडुवंश शासक के समय वेनसांग सिरपुर आया था, ये पूछा जा रहा है। तो अभी जस्ट हम लोग क्या देखें, महासिवगुप्त बालार्जुन मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, इसी के शासनकाल में ये जो वेनसांग है, चीनी यात्री वेनसांग है ना, वेनसांग ये आए थे किसके शासनकाल में? महासिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में। 82 देखिए, मतलब 82 देखिए, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल देखो गला बैठ गया ऐसा लग रहा है बोल बोल के, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहा जाता है? ठीक है, ये कहा जाता है महासिवगुप्त बालार्जुन जो हम लोग देखते हैं ना, अभी जस्ट हम लोग बहुत बार देखें महासिवगुप्त बालार्जुन, उन्हीं के शासनकाल को क्या कहते हैं? स्वर्णकाल का दर्जा यहाँ पर दिया जाता है। सोमवंशी राजाओं ने रायपुर क्षेत्र पर अधिकार किया और निम्नलिखित में से किसे अपनी राजधानी बनाकर शासन किया, ये पूछा जा रहा है। तो ये सिरपुर है, सोमवंशी जो राजा थे उन्होंने रायपुर क्षेत्र पर अधिकार किया और किस, ये सिरपुर है। ठीक है, जो पांडु वंश हम लोग पढ़ते हैं आगे चल करके वही सोमवंश कहलाते हैं, ऐसा टाइप के हम लोग इतिहास में जब पढ़ते हैं तो वो सोमवंशी बोल रहे हैं, मतलब कि पांडु वंश के बारे में ही बात कर रहे हैं। पांडु वंश जिनकी राजधानी हम लोग जानते हैं ना सिरपुर थी, ऐसे। चलिए इसके बाद देखिए, चित्रांगदपुर को किस राजवंश ने राजधानी बनाया था, ये पूछा जा रहा है ना। तो चित्रांगदपुर हम लोग सिरपुर को ही बोलते हैं, चित्रांगदपुर के नाम से जानते हैं। तो ये आपका पांडु वंश जो शासक हैं उन्हीं की राजधानी थी चित्रांगदपुर। खरौद के लखनेश्वर मंदिर में किस शासक का उल्लेख है? तो ये ईशान देव का उल्लेख है। ठीक है, खरौद के लखनेश्वर मंदिर में क्या है? ईशान देव का उल्लेख है, हम लोग देखते हैं।
छत्तीसगढ़ काशी किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ काशी खरौद को ही कहा जाता है, ठीक, ये भी हम लोग बहुत बार पढ़े हैं। सूरबल किस वंश का शासक था? सूरबल किस वंश का शासक था जिसका ताम्रपत्र बमनी नामक स्थान पर प्राप्त हुआ? ये था मैकाल का पांडु वंश, ठीक है, मैकाल का जो पांडु वंश है उसके शासक थे सूरबल। गंधेश्वर महादेव का मंदिर, ठीक, गंधेश्वर मंदिर या फिर गंधेश्वर महादेव का मंदिर, इनमें से किस स्थान पर स्थित है ये पूछा जा रहा है। तो ये गंधेश्वर महादेव का मंदिर हम लोग कहाँ देखते हैं? सिरपुर में देखते हैं, ठीक है। 90 देखिए, प्राचीन छत्तीसगढ़ में किस राजवंश के शासकों ने त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी? ठीक है, प्राचीन राजवंश में त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, इस प्रकार पूछा रहा है। इसका सही आंसर क्या है? सोमवंश है, ठीक है। सोमवंश के बहुत सारे शासक हम लोग देखते हैं जिन्होंने क्या किया था, त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की थी। मारंजमुर शिलालेख किस शासक का है? ठीक है, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ ऐसा क्वेश्चन देखने में नहीं मिलता है, लेकिन ये पूछा गया है क्वेश्चन भी। तो ये ययाति शिवगुप्त जो शासक हैं, सोमवंश के ही शासक हैं, उनके बारे में हमको यहाँ से मारंजमुर शिलालेख देखने को मिलता है। कोसल एवं उत्कल में शासन 1040 से 1065 तक करने वाले जो शासक हैं, करने वाला महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी किस वंश का शासक था, इस प्रकार से ये पूछा जा रहा है। ये सोम वंश का शासक था, ठीक है। त्रिकलिंगाधिपति जिन्होंने मैं बताया ना उपाधि धारण की थी, बहुत सारे शासक हैं जो कि त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण करते हैं। तो सोम वंश के बारे में हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से ये है महाभवगुप्त चतुर्थ उद्योत केसरी, इस प्रकार से बहुत लंबा लंबा नाम है उड़ीसा में जो ये सोमवंश का जो एक शाखा इस प्रकार से जो फैला ना, उसका बहुत लंबे लंबे नाम से शासकों को हम लोग देखते हैं वहाँ पर। फिलहाल उतना भी जो इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी हमारे जो सिरपुर वाला जो शासक है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ से कुछ कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा और कठिन टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, हाँ, अब इसको ध्यान से बनाना होगा। इसमें क्या बोल रहा है, उनके वंशों को सुमेलित करना है, ठीक है, उनके वंश को इस प्रकार सुमेलित करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये प्रसन्न मात्र है ना, प्रसन्न मात्र दिया है सर ने, प्रसन्न वंश ऐसे हम लोग देखते हैं ना, तो सर्वपुरी राजवंश हम लोग देखते हैं प्रसन्न मात्र। इंद्रबल 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 पांडु वंश के संस्थापक इंद्रबल हम लोग पढ़ते हैं, और भीमसेन द्वितीय हम लोग जानते हैं, राजा ऋषि तुल्य कुल वंश के बारे में पढ़ते हैं, और बच गया क्या ये, अब बना बताओ कौन से इसका आंसर होगा। ठीक है, ए का थ्री, ए का थ्री, बी का वन, बी का वन, ए का थ्री, बी का वन, ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। 94 देखिए, देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव में है, कौन से वंश के हैं? सर्वपुरी वंश के हैं। मड़वा महल देखते हैं, खरौद मंदिर देखें, सिद्धेश्वर का पलारी मंदिर देखते हैं, ठीक है, इसको आप लोग जमाइएगा। पहले ऑप्शन से क्या हमको आंसर मिल सकता है? मिल सकता है ए ऑप्शन, ठीक है, ए और थ्री जम गया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 95 देखिए, कुरुद ताम्रपद्र नरेंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, पहला ऑप्शन से क्या हमको आंसर मिल जाएगा? क्यों नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन अगर आपको मालूम है आंसर आपको पता चल जाएगा, ठीक है, बाकी आप लोग इसको जमा करके देख लीजिएगा कौन कौन किसका किसका है ऐसे। 96 देखिए, रामायणकालीन छत्तीसगढ़ के स्थानों उनसे संबंधित मान्यताओं के साथ सुमेलित करना है इसको, तो लौक उसका लौक उसका जन्मस्थली, लौक उसका जन्मस्थली हम लोग क्या देखते हैं? तुरतुरिया। ये क्या बोल रहा है, भूदेवी की पूजा रामा राम, ठीक है, राम भगवान ने क्या किया था, भूमि देवी की पूजा जो किया था, भूदेवी की पूजा किया था। यहाँ पर कहते हैं लोमस ऋषि का आश्रम हम लोग क्या देखते हैं? राजिम। अत्रि मुनि का आश्रम हम लोग नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब हमको पढ़ना पड़ेगा, कहाँ पढ़ना पड़ेगा? यहाँ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ पढ़ना पड़ेगा? यहाँ सीतामढ़ी, ठीक है, सीतामढ़ी हर समय को देखते हैं, वहाँ पर अत्रि मुनि का आश्रम हम लोग देखते हैं। अब इसको आप लोग जमा लो, आंसर बताओ कौन सा होगा, ठीक है, आप लोग बता दो कौन सा होगा। फिलहाल तो इतना मैं कर दिया हूँ, तो बना सकते हैं आगे का। 97 देखिए, 97 क्या पर है, कन्हर देव है, स्कंद वर्मन है, स्कंद वर्मन दुर्ग राज, और हर्षगुप्त बोर है। हर्षगुप्त को तो हम लोग बहुत बार अभी देखे हैं,
है ना, हर्ष हर्षवर्धन हर्षगुप्त इस प्रकार से देखें। अच्छा जो हर्षगुप्त था ना पांडु वंश, हर्ष हर्ष इस प्रकार से हर्ष हर्षवर्धन और हर्षगुप्त, वो कन्फ्यूज नहीं होना है, ऐसा टाइप में आपको बोल रहा था कि हर्षगुप्त इस प्रकार से हम लोग पांडु वंश के बारे में बात करते हैं और हर्षवर्धन आपको जो वर्धन वंश के शासक हैं वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन ऐसे टाइप को दोनों अलग अलग था, उसको थोड़ा सा डिफरेंस दिमाग में ऐसे रखिएगा उसको, है ना। स्कंद वर्मन हम लोग क्या देखते हैं, स्कंद वर्मन नल वंश शासक, ठीक है। स्कंद वर्मन में क्या बताया, नल वंश शासक। अब बचा दुर्गराज, तो दुर्गराज क्या है, सर्वपुरी वंश का, छिंदक नागवंश से कन्हरदेव का, ऐसा टाइप का है ना। देखिए एक का बी का वन, ठीक है, बी का वन, सी ऑप्शन सही होगा। 98 देखिए भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन, ठीक है। तो भवदत्त वर्मन हम लोग क्या देखें अभी, नल वंश का सर, ठीक है। प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र हम लोग देखें सर्वपुरी वंश, सर ने प्रसन्न मन से प्रवरदान दिए, ऐसे मैट्रिक बताता हूँ ना उसमें से। और महासेवगुप्त बालार्जुन हम लोग जानते हैं पांडु वंश, और सिंहराज हम लोग क्या देखते हैं सोमवंश, ऐसे टाइप का। तो इसको जमा लीजिए, एक का तीन, एक का तीन मिल गया आंसर। 99 देखें हर्षवर्धन, ठीक है। मैंने अच्छा देखो ये हर्षवर्धन और हर्षगुप्त ऐसे टाइप का थोड़ा सा ये ना गड़बड़ करते हैं, ठीक है ये लोग, चलो कोई बात नहीं। हर्ष से याद रखेगा, हम लोग दो हर्ष पढ़ रहे हैं, एक तो पांडु वंश का हर्ष पढ़ रहे हैं और दूसरा हर्ष क्या पढ़ रहे हैं, वर्धन वंश के हम लोग हर्ष पढ़ते हैं, जो कि ऊपर में हम लोग उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, ठीक है, जो कि महासेवगुप्त बालार्जुन के समकालीन थे, ऐसा टाइप का है। तो ये जो हम लोग देखे हैं, मतलब जानते हैं, क्या जानते हैं, ये जो हर्षवर्धन हम लोग देखते हैं ये पांडु वंश शासक हैं। प्रवर राज जो प्रथम हम लोग देखते हैं, सर ने प्रसन्न मन से प्रवर दान दिए, इस प्रकार से मैं बोलता हूँ, प्रवर राज सर्वपुरी वंश। विलासतुंग नरेंद्र धवल, सॉरी नरेंद्र धवल बोलता हूँ जी, एक मिनट हाँ, विलासतुंग हम नल वंश, ठीक है, नल वंश को देखते हैं, विलासतुंग, ठीक, नल वंश का। अब भीमसेन राज ऋषि तुल्य कुल वंश, भीमसेन राज ऋषि तुल्य कुल वंश का, ठीक है। देखो जम गया ना, एक का डी, ठीक, चलो फिलहाल 99 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर आज देखें, है ना। एक क्वेश्चन जानबूझकर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि होता है ना लास्ट एक निवाला खाते रहो, खाना खाते रहो, अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो लास्ट एक निवाला अंदर नहीं जाता है, उसी प्रकार से लास्ट वाला क्वेश्चन अंदर नहीं जाता है तो उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो छोड़ने के पीछे का भी कुछ रीज़न है, उसको भी मैं आपको कभी बताऊँगा। ये हमारे टेस्ट सीरीज का जानकारी यहाँ पर फिर से आ गया, CGPSC फ्री 2023 का टेस्ट सीरीज, चाहे तो ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है 8770183315, इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और रजिस्ट्रेशन करा लेना है। ये 1 नवंबर से शुरू कर रहे हैं, ध्यान में रखेंगे, 1 नवंबर से ये टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया जा रहा है। हालाँकि अगर आप लोग बाद में भी ज्वाइन करते हैं तो जो पुराना टेस्ट रहेगा उसको भी आप लोग वहाँ पर दिला सकते हैं, ठीक है। पुराना टेस्ट भी आपको दिलाने का वहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है, तो कभी भी ज्वाइन करिए, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, जब भी आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं, आपको सॉरी यहाँ पर ये चार चार है ना, ऐसे टाइप का है। तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे आपको टेस्ट वहाँ पर दिलाने का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब कि जो भी टेस्ट यहाँ पर पहले से हो भी चुका है वो टेस्ट भी आप लोग वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे टाइप का ऑप्शन आप वहाँ पर रहता है, ठीक है। चलिए ये डेट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 23 23 दोनों में लिखा गया, ठीक है, और 24 होना चाहिए था। चलिए जिस प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ का ये जो इतिहास वाला सीरीज है उसका पहला पार्ट हम लोगों ने आज कवर किया, बाकी अगले क्लास में और जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, वहाँ पर लिंक अगर मिल जाएगा तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, और नहीं तो फिर WhatsApp में आप लोग मैसेज करके वहाँ पर PDF वहाँ पर आपको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ठीक है, मैसेज करिएगा। तो चलिए, तो आज के क्लास में यहीं पर समाप्त करते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।